यदि आपने हनी को चखा यानी कि शहद को खाया है, खाने के बाद में उसको कभी भी आप कड़वा नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको स्वाद मिल चुका है, वो मीठा है। उसी प्रकार से प्रभु को आप जान के कभी उसके खिलाफ में बातें कर ही नहीं सकते, कभी उसके विरोध में जा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। और पवित्र आत्मा आपको कभी ऐसे करने भी नहीं दे। एक हत्यारा भी परमेश्वर से माफी को पा सकता है यदि वो मन फिराए, अपने गुनाह को स्वीकार करे और परमेश्वर से माफी मांगे। एक चोर, बेविचारी, बलात्कारी, लुटेरा, हत्यारा, किसी भी प्रकार का पाप हो, यदि वो परमेश्वर के आगे आए, अपने गुनाह को मानकर स्वीकार करके परमेश्वर से क्षमा मांगे, मन फिराए, तो प्रभु उसे क्षमा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के खिलाफ में निंदा करके बात करेगा, उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, ना ही इस युग में, ना ही आने वाले युग में, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या ये पाप आप और हम कर रहे हैं क्या? इस वीडियो में हम उसका आंसर को जानेंगे। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़े मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 31-32 को एक बार हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किए जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सभी प्रकार के पाप को क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में बातें करेगा, निंदा करेगा, उसका पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। यही बात मार्क अपने गॉस्पेल अकाउंट चैप्टर 3:28 से लेकर आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलता है। आइए हम एक बार पढ़े। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे, वो कभी भी क्षमा ना किए जाएंगे, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो यहां मैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद भी कह रहे हैं कि अगर मेरे बारे में भी कुछ निंदा करके बातें करेंगे तो भी उस पाप को क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ में यानी कि निंदा करके बात करेगा, उसका पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा, वो अनंत काल का पाप है। यानी कि ब्लेस्फेमी अगेंस्ट होली स्पिरिट इज अनफॉर्गिवेबल सिन। तो इसका मतलब क्या है, इसे हमें जानने के लिए हमें इसे संदर्भ में देखना होगा। जब हम बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने ये बातें कही और किन लोगों से कहा, क्यों कहा, जब हम इसका जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह चंगाई कर रहे थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा वो को भगा रहे थे लोगों के अंदर से, तो इसको सभी देख रहे थे। और इसी सभी विटनेसेस के बीच में ऐसे लोग भी थे जो धर्म गुरु थे, फारिसी लोग, ओल्ड टेस्टामेंट के धर्म गुरु लोग। और ये लोग क्या कह रहे थे कि देखो, ये जो चमत्कार कर रहा है, ये शैतान की शक्ति से कर रहा है।
ये जो कुछ भी चंगाई दुष्ट आत्मा को भगाने का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा है वो शैतान की शक्ति से कर रहा है, यानी कि शैतान की शक्ति को लेकर शैतान को भगा रहा। ये आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगा रहे थे। वो ये क्रेडिट नहीं दे रहे थे कि ये मसाया है, वो ये क्रेडिट नहीं दे रहे कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ से ये काम को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे थे। ये बात को भी नहीं झुठला रहे थे कि ये चमत्कार हो रहा है। दे वर अफर्मिंग, सिक वर हील्ड, डेमोंस वर कास्ट, वो अफर्म कर रहे थे, वो इस बात पर विश्वास कर रहे थे कि जो चमत्कार कर रहे हैं वो सच है। लेकिन इसका सोर्स प्रभु और पवित्र आत्मा को ना देते हुए शैतान को दे रहे थे। कौन? ये फारसी लोग। इन लोगों के आगे स्पष्ट हो चुका था कि प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। इन लोगों के आगे ये स्पष्ट हो चुका था कि ये जो व्यक्ति है यीशु, ये मसाया है, सेवियर है, प्रभु का बेटा है, ये पूरा सिद्ध हो चुका था। लेकिन भी जानबूझकर वो ये बात को विश्वास नहीं करना चाहते थे, जानबूझकर इस बात को वो इनकार कर रहे थे, जानबूझकर वो सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है शैतान को दे रहे थे। तो इसी बात को प्रभु यीशु मसीह जानकर उन लोगों का आरोप को सुनकर वो रेस्पोंड करते हुए कहते हैं, सभी प्रकार के निंदाओं को क्षमा किया जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो ये होली स्पिरिट के अगेंस्ट में, जो तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ में जो ये तुम बातें कर रहे हो, इसे क्षमा नहीं किया जाएगा। आज जब हम इस बात को देखते हैं तो आज का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हम अपने आंखों से प्रभु यीशु मसीह का जो फिजिकली जो मिराकल्स कर रहे थे उसे हम विटनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जो इनकार्नेशन, जो शारीरिक रूप से जो इस पृथ्वी में आए थे, जो हमारे पापों के लिए मरे, 3 दिन बाद में जी उठे, उसके बाद में वो स्वर्ग को चले गए, आज वो सिचुएशन हमारे पास में नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का मिराकल्स को देख के कोई अविश्वास करेगा और उसको शैतान को क्रेडिट देगा, ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन आज भी हम पर अप्लाई होता है। कैसे? ऐसे लोगों पर जो प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से जानते हैं, पूरी तरीके से वचन से उनको पढ़ा, स्टडी किया, जान लिया, फिर भी उन पर विश्वास नहीं करते, जानबूझ के उनको कंटिन्यूसली रिजेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली उनके खिलाफ में बातें करते हैं, कंटिन्यूसली हैबिचुअली वो प्रभु के खिलाफ में बातें करते, प्रभु के खिलाफ में जाते, कंटिन्यूसली पवित्र आत्मा के खिलाफ में बातें करते। ऐसे लोगों को जो जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के डिलीबरेटली इंटेंशनली प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में जाते, रिजेक्ट करते हैं उनको, तो ऐसे लोगों का पाप कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो जानबूझ के फुल नॉलेज होके कोई ऐसा पाप करेगा तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा। और जो सच्चे प्रभु के बच्चे हैं वो ये पाप कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल? यदि आपने हनी को चखा, यानी कि शहद को खाया है, खाने के बाद में उसको कभी भी आप कड़वा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको स्वाद मिल चुका है, वो मीठा है। उसी प्रकार से प्रभु को आप जान के कभी उसके खिलाफ में बातें कर ही नहीं सकते, कभी उसके बारे में विरोध में जा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। और पवित्र आत्मा आपको कभी ऐसे करने भी नहीं देगा। तो जो प्रभु के लोग हैं वो ये पाप कभी कर ही नहीं सकते। वो यही लोग पाप को करेंगे जो जानबूझ के प्रभु को हमेशा रिजेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों का पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा इस वचन के हिसाब से। तो आशा करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिला। फिर भी इस विषय में आपका कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद इस संदेश को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।